Dear viewers you are warmly welcome in this lecture kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from biology guardian thank you rahim sadri amri yafkahu hello dear students welcome to lecture number 12 of biology preparation for pmc national mdcat 2021 and today we are going to discuss concept importance and characteristics of enzymes and their cofactors from unit number three that is enzymes so let's begin the today's lecture assalamu alaikum dear students welcome in lecture number 12 of biology for the preparation of pmc national mdcat 2021. बच्चों आपको मालूम है कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर नेशनल एमडी के ट्वेंटी के सिलेबस के सिलसिले में दो यूनिट्स अब तक कंप्लीट कर लिए हैं हमने इससे पहले आपको मालूम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद फिर हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का यूनिट भी कंप्लीट कर लिया है तो आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं एनजाइम्स वैसे तो अभी जो करंट सिलेबस पी ने लॉन्च किया है उसमें एनजाइम का सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है लेकिन हम चूंकि उसी सीक्वेंस को बरकरार रखेंगे जिस सीक्वेंस में ये टॉपिक्स हमारे पास बुक्स में दिए हुए हैं तो इस वजह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के बाद एनजाइम्स की बात करेंगे ताकि फिर आगे चलकर हम बायो के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर सकें एनजाइम के हमारे से जो टॉपिक्स को पी ने इंक्लूड किया है एम डी के ट्वेंटी ट्वेंटी वन सिलेबस के अंदर उन टॉपिक्स को अगर एक नजर देखा जाए तो इसमें आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन और एंजाइम इनहिबिशन और इन कंटेंट्स में से जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सजेस्ट किए हैं पीएमसी ने उनमें आप देखिए कि डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विशिंग करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑन इन्जाइम एक्शन जस्ट टेम्परेचर पी एच एंड कंसनेशन यहाँ पर मैंशन नहीं किया कि कौन सी सबस्टेट कंसनेशन का इफेक्ट या इन्जाइम कंसनेशन तो एक्चुअली हमें दोनों ही यहाँ पर कवर करने होंगे और इसी तरह से डिस्क्राइब इन्जाइम इन्हेबिटर्स तो इन्जाइम इन्हेबिटर्स इनिद, की भी जितनी भी टाइप्स हैं उन सबको यहाँ पर कवर करना होगा यानी यूँ समझ लीजिए कि जितने भी टॉपिक्स चैप्टर थ्री एंजाइम के अंदर हमारे बुक्स के अंदर मौजूद हैं वो सभी कवर कर रहे हैं फेडरल बोर्ड की जो बुक्स हैं एन की बुक्स उनके अंदर एक टॉपिक एडिशनली गिवन है जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम कहा जाता है वो टॉपिक अलबत् यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो बाकी दूसरे प्रोवेंसेज की बुक्स के अंदर नहीं है तो इस वजह से हम क्लासीफिकेशन ऑफ एंजाइम के टॉपिक को सिर्फ स्किप करेंगे और बाकी पूरा चैप्टर यहाँ पर हम कवर करेंगे अच्छा जहाँ तक आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक है आज हमने जिन टॉपिक्स को कवर करना है ज़ाहिर है कि ये यूनिट काफ़ी बड़ा है इसको एक ही लेक्चर में ख़त्म नहीं किया जा सकता एटलीस्ट थ्री लेक्चर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस यूनिट तो आज के लेक्चर के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिन्हें हमने कवर करना है उनमें आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम के मुताबिक अगरचे आप लोग जानते हैं लेकिन इसको दोबारा से हम रिकॉल करेंगे और इससे रेलिवेंट कुछ एम को यहाँ पर शामिल करेंगे अपने डिस्कशन के अंदर ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए और उसके बाद फिर करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की बात होगी यहाँ से भी कई एक कैमसी बनते हैं तो उनको भी यहाँ पर आज के डिस्कशन के अंदर शामिल किया जाएगा फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम और इसके साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो कि दो डिफरेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंग बयान किया जाता है जिसमें लॉक इन की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल तो हम इन दोनों मॉडल्स के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ रिलेशनशिप ऑफ एंजाइम विद एक्टिवेशन एनर्जी की भी बात की जाएगी क्योंकि ये भी एंजाइम के करैक्टर में से एक करैक्टरस्टिक है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को लोअर करते हैं तो ये कैसे लोअर करते हैं इन सारी बातों को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो इनशा आज के लेक्चर के अख्ताम पर इन तमाम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकेंगे और इनसे से रेलिवेंट जो एम सी एंट्री टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं उन एम एमसीक्यूज में स्पेशली जो ट्रिकी एमसीक्यूज हैं उनको आज के डिस्कशन में हम शामिल करेंगे उनके ऊपर बहस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके तो आपने इस पूरे लेक्चर में बहुत ध्यान के साथ पार्टिसिपेट करना है तो इनशा आप ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे जी तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंजाइम यानी इंजाइम बेसिकली होते क्या हैं और हमारे लिए ये क्यों जरूरी हैं तो एंजाइम को डिफाइन करने के लिए आप दो वर्डिंग्स यूज कर सकते हैं या तो आप ये कहेंगे कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट अगर हम ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पर इनको डिफाइन करते हैं तो ये एक मुकम्मल डेफिनेशन है या फिर आप इनके लिए एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन ये सजेस्ट कर सकते हैं कि दे आर द मॉलिक्यूल्स दैट स्पीड ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग बॉडीज के अंदर परफॉर्म होने वाले रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और खुद ये कंज्यूम भी नहीं होते हैं असल में ये विदाउट बीइंग कंज्यूम ये प्रॉपर्टी है किसी भी कैटलिस्ट की कोई भी कैटलिस्ट आमतौर पर इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट वर्ड यूज किया जा रहा होता है तो कोई भी कैटलिस्ट उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो रिएक्शन को स्पीडअप करता है लेकिन खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता बिल्कुल इसी तरह से एंजाइम भी दरअसल कैटलिस्ट हैं ये रिएक्शंस को स्पीडअप करते हैं लेकिन खुद ये कंज्यूम नहीं होते बल्कि इनको अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है तो एंजाइम्स दरअसल ये कैटलिस्ट हैं तो इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कह दिया जाए तो ये सारी वर्डिंग इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है और अगर आप इनको सिर्फ कैटलिस्ट कहें तो ये इन कंप्लीट डेफिनेशन होगी इनकी ठीक है तो लिहाजा यहां पर आपने केयरफुल रहना कि के सम टाइम एमसीक्यूज में जैसे पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताते रहे एमसी एमसीक्यू पूछा जाता है जिसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट किसी चीज के मुताबिक पूछा जा रहा होता है तो यहां पर भी इसी तरह से अगर पूछा जाए कि विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म या विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ एंजाइम तो उसमें अगर सिर्फ कैटलिस्ट गिवन है एंजाइम की डेफिनेशन के तौर पर तो वो इनकम्प्लीट होगा अगर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट गिवन है तो ये कंप्लीट होगा या फिर इसके अल्टरनेटिव के तौर पर कौन सी वर्डिंग होनी चाहिए द मॉलिक्यूल्स दैट स्पीड ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीन कंज्यूम्ड अच्छा यहां पर भी देखो कि अगर ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो विदाउट बींग कंज्यूम वाली प्रॉपर्टी यहां पर इंडिकेट ना हो तो इसका मतलब है अगेन डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहेगी या फिर अगर ये बायोकेमिकल की जगह यहां पर सिर्फ केमिकल रिएक्शन का जिक्र हो और बायो का जिक्र ही ना हो क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मेटाबॉलिज्म बायोकेमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म तो यहां पर दरअसल मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है तो अगर ये बायो वर्ड यहां पे ना हो सिर्फ केमिकल रिएक्शंस का जिक्र हो तो वो भी इनअप्रोप्रिएट डेफिनेशन होगी एंजाइम की और अगर यहां पर बायोकेमिकल की जगह मेटाबॉलिज्म वर्ड यूज कर लिया जाए तो तब भी यह मुनासिब हो जाता है तो आपने बस ये केयरफुल रहना है कि एंजाइम को डिफाइन करने के लिए अप्रोप्रिय डेफिनेशन क्या हो सकती है तो वो अप्रोप्रिय डेफिनेशन या तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या फिर द मॉलिक्यूल्स दैट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बींग कंज्यूम्ड या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कि द मॉलिक्यूल्स दैट स्पीड अप द मेटाबॉलिज्म विदाउट बींग कंज्यूम्ड तो ये तीनों ही मुकम्मल डेफिनेशन होंगी अदरवाइज अगर सिर्फ कैटलिस्ट वर्ड यूज़ किया जा रहा है या इधर बायोकेमिकल की जगह सिर्फ केमिकल रिएक्शन का जिक्र हो रहा है या फिर ये विदाउट बिंग कंज्यूम वाली प्रॉपर्टी को इंडिकेट नहीं किया तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन होंगी इन को आपने आइडेंटिफाई करना है इस तरह के किसी एम में आपने गिरफ्तार नहीं होना ठीक है जी तो अच्छा अब उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर बात हो रही है इंपॉर्टेंस ऑफ एंज़ाइम की एंजाइम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है क्या एंजाइम के बगैर रिएक्शंस पॉसिबल है क्या हमारे बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन एंजाइम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता तो बेटे याद रखो कि रिएक्शंस एंज़ाइम के, के बग़ैर भी पॉसिबल हैं देखो कितने ही इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं कितनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लेकिन उनमें बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर एंजाइम्स तो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो ये कहना कि भाई एंजाइम्स के बगैर रिएक्शंस मुमकिन ही नहीं है ये गलत है तस्वर सरासर गलत है आप ये बात जहन में रखिए कि एंजाइम्स के, के बगैर रिएक्शंस पॉसिबल हैं। तो फिर एंजाइम के बगैर अगर रिएक्शंस पॉसिबल हैं, तो एंजाइम्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं फिर एंजाइम्स को क्यों हमारे बॉडी के अंदर रखा गया है तो बेटे याद रखो कि दरअसल एंजाइम्स के बगैर रिएक्शन तो पॉसिबल है लेकिन वह रिएक्शन इतने स्लो स्पीड के ऊपर परफॉर्म होंगे इतने स्लो होंगे कि उन रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्ट्स वो हमारे लिए किसी किस्म की सिग्निफिकेंस शो नहीं करेंगी मिसाल के तौर पर आप इसको यूं देख लीजिए कि हमने अपनी सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को हम बॉडी में ले जाकर डाइजेस्ट करते हैं मेटाबोलाइज करते हैं और उनकी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम एनर्जी भी गेन करते हैं और उनको बॉडी की बिल्डिंग अप के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं यानी हमारी बॉडी में जो डेली रोजमर्रा की बुनियाद पर वियर एंड डियर एक्टिविटीज हो रही हैं तो उनकी मेंटेनेंस के लिए हमें इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना होता है बॉडी के अंदर लेकिन अगर हमने ये न्यूट्रिएंट्स एक्वायर किए हैं इन्वायरमेंट से और बॉडी में ले जाकर उनको मेटाबोलाइज करने में उनको ब्रोकन डाउन करने में या उनको यूटिलाइज करने में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और इतना टाइम हम बगैर मेंटेनेंस के बगैर वियर टीयर की रिपेयरिंग के क्या सर्वाइव कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे असल में हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए इन रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स इमीडिएटली रिक्वायर्ड होती हैं और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा इंतज़ाम हो कि ये रिएक्शन स्पीड में कंप्लीट हो जाए तो इसी मकसद के लिए ये इंजाइम्स को यहाँ पर रखा गया दरअसल देखो हमारी बॉडी के अंदर ये जितने भी रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं तो इन रिएक्शंस को प्रिसाइज़ कंडीशंस में परफॉर्म करना होता है यानी हम, हम अपनी बॉडी के अंदर एक खास टेम्परेचर जेस्ट कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि किसी रिएक्शन के लिए हम बहुत हाई टेम्परेचर अपनी बॉडी में ले आए और किसी रिएक्शन के लिए बहुत कम टेम्परेचर पर अपनी बॉडी को शिफ्ट कर दें ऐसा मुमकिन ही नहीं है तो इस वजह से नॉर्मली एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नियरली कॉन्स्टेंट होता है और इसी तरह से हमारी बॉडी में एटमोसफेरिक प्रेशर भी हम बहुत ज़्यादा इस तरह से मुख्तफ रिएक्शन के लिए मुख्तफ़ एटमोसफियरिक प्रेशर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो यही वजह है कि हमारी बॉडी के तमाम रिएक्शन चूँकि प्रिसाइज ंडीशन के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं तो यहां पर हमें कोई ऐसा बंदोबस्त चाहिए कि हमारे रिएक्शन इन टाइम कंप्लीट हो और उनकी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे काम आ सकें तो यही वजह है कि हमारे बॉडी के अंदर ये एंजाइम्स काम कर रहे हैं इन एंजाइम्स की वजह से हमारी ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये इन टाइम कंप्लीट होते हैं और इनसे हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स हम हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ और मेंटेनेंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं ठीक है तो इससे हमें यह बात समझ में आती है कि एंजाइम्स के, के बगैर रिएक्शंस तो पॉसिबल हैं लेकिन वो रिएक्शंस चूंकि बहुत स्लो होंगे तो उनकी हमारी लाइफ के लिए फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी लिहाजा अगर इंजाइम्स ना हो तो ये रिएक्शंस इतने स्लो हो जाएंगे कि हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे तो आप ये याद रखिए ये बात आपने अच्छी तरह में रखनी है कि विदाउट इंजाइम्स रिएक्शंस आर पॉसिबल बट दे वुड प्रोसीड एट वेरी स्लो स्पीड दैट दे विल हैव नो सिग्निफिकेंस फॉर लाइफ सो इट मीन्स के विदाउट एंजाइम्स इज लाइफ पॉसिबल तो आपने याद रखना है कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एंजाइम बिकॉज जब एंजाइम्स के बगैर रिएक्शंस परफॉर्म होंगे तो वो स्लो हो जाएंगे और उनकी डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारी सर्वाइवल को मेंटेन नहीं रख सकेगी तो इस वजह से एंजाइम्स के बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है फॉर सर्वाइवल एंजाइम्स आर नीडेड ठीक है तो ये बात आपने जहन में रखनी है इस हवाले से इस तरह MCQs में भी आपसे यह कॉन्सेप्ट है मिसाल के तौर पर आप देखिए कि रिएक्शनिबल या लाइफ इज इम्पॉसिबल या इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसिसबल या ऑल ऑफ देम आर इम्पॉसिबल तो आम तौर पर बचे यहां पर ये ऑल ऑफ देम वाला ऑप्शन पिक कर लेते हैं कि शायद एंजाइम के बगैर ये सारी चीजें नामुमकिन है तो बेटे याद रखो जैसे अभी हमने डिस्कशन में इस बात को कंक्लूड किया कि एंजाइम्स के बगैर रिएक्शंस आर पॉसिबल ये इम्पॉसिबल नहीं है यहां पर जहन में रखिए ये पॉसिबल वर्ड नहीं इम्पॉसिबल लिखा हुआ है तो रिएक्शन आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम ये बात दुरुस्त नहीं है रिएक्शन आर पॉसिबल विदाउट एंजाइम लेकिन लाइफ इज इंपॉसिबल ये बात दुरुस्त होगी लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम एंजाइम के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते जैसे आपको ये बताया कि विदाउट एंजाइम रिएक्शंस आर पॉसिबल बट दे वुड प्रोसीड एट वेरी स्लो स्पीड दैट दे विल हैव नो सिग्निफिकेंस फॉर लाइफ सो इसका मतलब है कि विदाउट एंजाइम लाइफ इज इम्पॉसिबल। ये वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसी तरह से विदाउट एंजाइम इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस आर इंपॉसिबल ये बात भी गलत है ये इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस यहां पर कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस का जिक्र नहीं हो रहा है यहां पर ओवरऑल इन जनरल बात हो रही है तो ओवरऑल इन जनरल अगर हम कहें तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस हैं जो बगैर इंजाइन के काम करें तो इसका मतलब है ये वाली बात भी दुरुस्त नहीं है तो जब ये दो बातें ए और सी ये दुरुस्त नहीं है सिर्फ ये बी करेक्ट हो सकती है तो ऑल ऑफ देम तो ये फिर माना ही नहीं जा सकता लिहाजा यहां पर राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर विल बी बी कि विदाउट एंजाइम लाइफ इज इम्पॉसिबल तो आपने जरा बेटे केयरफुल रहना यहां पे तो इस तरह से हमें एंजाइम का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो गया इनकी इंपॉर्टेंस का भी आइडिया हो गया इन चीजों को माइंड में रखते हुए हम आगे फर्दर टॉपिक्स के अंदर दाखिल होते हैं जी इसी हवाले से एक और क्वेश्चन यहां पे देखिए एंजाइम के बिहेवियर के हवाले से एक बात पूछी जाती है कि एंजाइम हैज एबिलिटी टू ये एंजाइम की जो आपने अभी डेफिनेशन देखी ना उसी के रेलेवेंस से ये क्वेश्चन है कि एंजाइम हैज एबिलिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन या स्लो डाउन द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन या मेंटेन्स द रेट ऑफ रिएक्शन या स्टार्ट द रिएक्शन तो बेटे याद रखो कि एंजाइम का काम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना होता है इंक्रीज ये स्लो डाउन नहीं करते और ना ही ये मेंटेन कर रहे होते हैं मेंटेन वर्ड भी गलत होगा हाँ अलबत्त अगर यहां पर ये यह ऑप्शन ना होता इंक्रीज वाली बात ना होती तो हम शायद किसी सेंस में मैंटेन्स द रेट ऑफ रिएक्शन को पिक कर लेते लेकिन फिलहाल चूंकि यहां पर ये करेक्टली यहां पर ये बात गिवन है जो इसके साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर रही है कि एंजाइम हैज एबिलिटी टू इंक्रीज द बायोकेमिकल इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन लिहाजा हम ये मेंटेन्स द रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का असूल ही होता है कि आपने जो ज्यादा करीबतर आंसर होता है उसको पिक करना होता है तो इस वजह से ये सी की बनस्पत ए ज्यादा सुटेबल आंसर है और स्टार्ट द रिएक्शन ये काम एंजाइम का तो होता ही नहीं है ये अभी हम आगे चलकर बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एंजाइम्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो इस वजह से ये डी भी नहीं होगा तो यहां पर राइट आंसर क्या बन रहा है ए अच्छा उसके बाद आप देखिए आगे एंजाइम्स की डिस्कवरी का जहां तक ताल्लुक है तो एंजाइम्स को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था पे एन एन ने ये पिछली सेंचुरी के अंदर पे एन एन परसोज ने एंजाइम्स को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था एक्चुअली इन्होंने क्या किया, किया कि बार्ले के सीड्स लिए और उन बार्ले सीड्स को वाटर के अंदर क्रश किया उनकी उनका एक सोलूशन सा प्रिपेयर किया यानी एक क्रूड मिक्सचर इन्होंने प्रिपेयर किया और उस क्रूड मिक्सचर को जब इन्होंने स्टार्च के साथ ट्रीट किया तो उन्होंने देखा कि स्टार्च ब्रोक डाउन हो रही है स्टार्च डाइजेस्ट हो रही है एक्चुअली बार्ले सीड्स के अंदर वो पर्टिकुलर कंपोनेंट मौजूद था जो स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता था सो दे एक्चुअली ग्राउंड अप बार्ले सीड्स इन वाटर टू मेक अ क्रूड मिक्सचर दैट वुड the starch. अब वो क्या चीज थी ये इनको पता कोई नहीं चला था ठीक है तो पेन एंड परसोस ने वो जो भी चीज थी उसको नाम दिया इन्होंने, डायस्टेज तो पहली बार ये डायस्टेज वर्ड सामने आया जो इस तरह के एजेंट्स के लिए यूज़ किया गया था जो कि इस तरह किसी भी चीज़ को ब्रोकन डाउन करने की सलाहियत रखते हैं जैसा कि ये स्टार्च इसको ब्रेक डाउन करने की सलाहियत इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है अब ये मॉलिक्यूल इन्होंने आइसोलेट नहीं किया था ये बात जहन में रहे कि इन लोगों ने जस्ट बारले सीड्स को क्रश करके पानी के अंदर उसका एक क्रूड मिक्सचर तैयार किया और उस क्रूड मिक्सचर के ज़रिए स्टार्च को जब ट्रीट किया तो स्टार्च में डाइजेशन ऑब्जर्व किया गया तो इस बुनियाद पर ये इन्होंने माना कि ये जो क्रूड मिक्सचर है ये डाइस्टेज है ठीक है तो डाइस्टेज से मुराद यही है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि डाइजेस्ट कर सकती है स्टार्च को ये तो बाद में फिर इल्म हुआ कि दरअसल इस क्रूड मिक्सचर के अंदर एक पर्टिकुलर एजेंट मौजूद है जो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता है और उस पर्टिकुलर एजेंट को आजकल हम नाम देते हैं माइलेज तो अमाइलेज का जो पुराना नाम था अमाइलेज फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ है इन द क्रूड मिक्सचर ऑफ बार्ले सीड्स तो वो अमाइलेज दरअसल उस वक्त डाइस्टेस के नाम से पुकारा गया था और बाद में फिर इसको अमाइलेज के तौर पर जाना गया तो ये आपने डिस्कवरी ऑफ एंजाइम के हवाले से कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पेन एंड ने कोई एंजाइम फर्स्ट टाइम आइसोलेट नहीं किया था जस्ट इन्होंने एक आइडिया पेश किया कि देयर इज समथिंग इन द बार्ले सीड विच कैन डाइजेस्ट द स्टार्च और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को इन्होंने डाइस्टेज का नाम दिया जिसको आजकल हम माइलेज के नाम से जानते हैं अच्छा तो अब देखिए आगे हम एंजाइम्स की करेक्ट्रिस्टिक्स के हवाले से बात करेंगे एंजाइम का बिहेवियर कैसा होता है इस हवाले से कई एक एन यूज़ बनते होते हैं करैक्टरिस्टिक्स में से उनको भी हम यहाँ पर अपने डिस्कशन में शामिल करते जाते हैं करेक्ट्रिस्टिक्स को वन बाय वन यहाँ पर हेडिंग वाइज डिस्कस करेंगे और उन करेक्टरिस्टिक्स से हमें क्या बात समझ में आ रही है और कोई क्वेश्चन जो उससे रेलिवेंट पूछा जा सकता है उसको यहाँ पे हम लेकर आते हैं देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फंक्शन के हवाले से कि एंजाइम का फंक्शन क्या है ये एंजाइम की सबसे पहली करेक्ट्रिस्टिक हम कहेंगे कि एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो देखो एस फॉर एस फंक्शन ऑफ एंजाइम इस कंसर्न तो यू विल से दैट द एंजाइम्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन यहां पर ज्यादा मुनासिब होगा कि हम बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें ठीक है एंजाइम्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय 10 to 6 to 10 to 14 टाइम्स फास्टर देन द रेट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन अब याद रखो कि एंजाइम का काम हमेशा स्पीड अप करना होता है एक्सेलरेट करना होता है रेट ऑफ रिएक्शन को ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं कितना स्पीड अप करते हैं यहां पर एक एग्जाम्पल दिए कि तकरीबन कोई 10 टू टेन रेस्ट्रोपा सिक्स टू 14 टाइम्स 10 टेन पावर 14 टाइम्स ये रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देते हैं एज कंपेयर टू अनकेटलाइज रिएक्शन इसकी आप इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं एक इंजाइम आपने यकीन सुना होगा कैटलेज एक इंजाइम है कैटलेज तो ये दरअसल इंजाइम डाइजेस्ट करता है दिस इंजाइम कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ एच टू ओ टू एच टू ओ टू आप जानते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो एच टू ओ टू को ये कैटलेज इंजाइम ब्रोके इन टू एच टू ओ वाटर प्लस ऑक्सीजन वाटर ऑक्सीजन के अंदर ये इस एच टू ओ टू को ब्रोकेम है कैटलेज और ये एंजाइम आप जानते हैं कि लाइसोज़ोम के अंदर ये एंजाइम मौजूद होता है तो कैटालाइज एंजाइम जो H2O2 को H2O और O2 के अंदर ब्रोकन डाउन कर रहा है आप जानते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना तेज है आप हैरान होंगे कि ये एक सेकेंड के अंदर तकरीबन 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स 10 मिलियन एक करोड़ 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 पर सेकेंड ये ब्रोकन डाउन कर सकता है इतना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन है इसका कि सेकेंड, विद इन अ 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ कैन बी ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ दिस दिसम और अगर ये कैटलेज एनजाइन ना हो तो एच टू ओ टू को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए जाहिर है कि फिर कुछ खास कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन इतना तेज नहीं होगा तो आप अंदाजा करें कि एंजाइम जो रेट ऑफ को स्पीडअप करते हैं कितना स्पीडअप करते हैं? 10 रेस्ट टू पावर 6 टू के, के, के तकरीबन 10 मिलियन मोलिक्यूल पर सेकंड ब्रोकन डाउन हो सकते हैं हेल्प ऑफ एंजाइम सो इतना तेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है एंजाइम की वजह से तो ये फंक्शन आपने याद रखा है एंजाइम का अच्छा इस हवाले से एक और बात देखिए कि एंजाइम्स ओनली स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन ये रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप करते हैं दे डू नॉट अफेक्ट द इक्वलीबीरियम ऑफ द रिएक्शन इक्वलीबीरियम ऑफ द रिएक्शन क्या होता है असल में इक्विलिबीरियम से मतलब यह है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन है उसे इक्विलिबीरियम कहा जाता है यानी एक चीज है मिसाल के तौर पर यह ग्लूकोज तो ग्लूकोज जब ये एटीपी के साथ रिएक्ट करता है ए और उससे रिएक्ट करने के बाद ये बन जाता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट और ए से एक फॉस्फेट अलहदा हो गया और बाकी ये बन गया ए तो इस तरह से आप देखिए कि ये पहला पहला रिएक्शन है ग्लाइकोलिस का आपको याद होगा तो यहां पर इस रिएक्शन में आप देखिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन दिखाया है और ये आपको बैकवर्ड रिएक्शन दिखाया है क्योंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है तो अब ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड

ऑल कैटलिस्ट आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर कीप इन योर माइंड क्योंकि बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन में catalysts यूज हो रहे हैं, वो इनऑर्गेनिक है लेकिन एनजाइम्स आर ऑलवेज ऑर्गेनिकल दो सम एनजाइम्स डू कंटेन सम इनऑर्गेनिक कंटेंट ठीक है इनके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल भी एनजाइम का पार्ट मौजूद होते हैं एंजाइम के पार्ट के तौर पर मौजूद होते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एंजाइम को आप इन कैटलिस्ट में शुमार कर दें अगर किसी एमसीक्यू में इस तरह नेचर पूछी जाए इन तो आपने ऑर्गेनिकुमार करना है हाँ ये कहा जा सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज वेल एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या बोथ ऑफ दैम तो बोथ ऑफ दैम ठीक है एंजाइम्स कैन बी कंपोज ऑफ अगर इस तरह से वर्डिंग हो कि एंजाइम्स कैन बी कंपोज ऑफ तो उसमें आप ये दोनों चीजें इंक्लूड कर सकते हैं अदरवाइज वैसे आपने याद रखना है कि दे बेसिकली बिलोंग टू द ऑर्गेनिक ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स तो ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनकी केमिकल नेचर क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट हैं प्रोटीन्स हैं लिपिड्स हैं और इसी तरह से आप देखिए न्यूक्लिक एसिड्स हैं तो इनकी नेचर क्या है तो केमिकली आप याद रखें कि इंजाइम्स बिलोंग टू द प्रोटीन ग्रुप आप इनको प्रोटीन भी आमतौर पर कहते हैं प्रोटीन इन नेचर लेकिन यह वाली बात इन जनरल तो ठीक है इन जनरल अगर हम बात कर रहे हो तो दे आर प्रोटीन इन नेचर बट स्पेसिफिकली हम बात करें तो यहां पर आपको कुछ एक्सेप्शन नजर आएंगी सारे एंजाइम प्रोटीन इन नेचर नहीं होते हैं. याद रखिए कि देर आर सर्टेन एंजाइम्स विच आर नॉट प्रोटीन इन नेचर एक्चुअली बिलोंग टू आर एन ए आर एन ए इचर है दो टाइप्स ना डी एन एंड आर एन ए तो कुछ आर एन एटेलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं ठीक है और ये आर एन ए कौन से टाइप के आर एन ए ये दरअसल राइबोजोमल टाइप के आर एन ए आर एन ए की तीन टाइप्स हमने पढ़ी थी बायोमोलिक्यूल्स में तो उसमें जो राइबोजोमल आरने तो सर्टन राइबोजोमल आर एन एज कैटलिटिक प्रॉपर्टी जैसे इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा आ, राइबोसोम की पेप्टाइडल साइट पी साइट जो होती है राइबोसोम की वहां से एक एंजाइम बरामद होता है दैट एंजाइम इज नोन एज पेप्टाइडल पेप्टाइडल ट्रांसफ्रेज पेप्टाइडल ट्रांसफ्रेज वो एंजाइम है जो कि अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है एक्चुअली होता यह है कि राइबोसोम की सरफेस के ऊपर इस तरह से तीन फंक्शनल बने हुए उनमें से एक रीजन को पी साइट या पेप्टाइडल साइट एक रीजन को ए साइट या अमाइनोसिल साइट और एक रीजन को ई e साइट या एग्जिट साइट कहा जाता है आपने ये क्रोमोजोम एंड डीएनए वाले चैप्टर के अंदर यह कॉन्सेप्ट पढ़ा है जब आपने ट्रांसलेशन का टॉपिक पढ़ा होगा तो उसके अंदर क्या होता है इस एक्टिविटी में कि यहां पर पी साइड पर जब कोई ट्रांसफर आरने मौजूद होगा जैसे ये इस जगह पर कोई ट्रांसफर मौजूद है और इस ट्रांसफर आरने के पास कोई अमाइनो एसिड्स की इस तरह से चेन मौजूद है है ठीक तो अब जब एक और ट्रांसफर ए आरने के ऊपर बाइंड करता है और इस ट्रांसफर आरने के पास भी इसी तरह से एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो अब इस पहले से मौजूद ट्रांसफर आरने के पास जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड थी उसको यहां से रिमूव करके आने वाले नए अमाइनो एसिड के साथ कनेक्ट करने का जो काम है वो दरअसल तो इस यानी इसकी जो केमिकल है आर एन ए पर है तो ऐसे एंजाइम जैसे कि पेप्टाइडल ट्रांसफ्रेज है इस तरह के एंजाइम जो आर एन ए पर मुश्तमिल होते हैं उनको कहा जाता है राइबोजाइम उनको क्या कहते हैं राइबो जाइम ये आपने याद रखना है केयरफुली कि ये राइबोजोम नहीं है राइबोजाइम तो राइबोजाइम्स ये इंज़ाइम का एक स्पेशल ग्रुप है जो आर केमिकल नेचर रखते हैं ये आर के बने हुए होते हैं और स्पेशली ये राइबोजोमल आर पर मुश्तम है जबकि इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स होंगे इस ग्रुप के अलावा जितने भी एंजाइम्स होंगे वो सभी प्रोटीनी नेचर हैं तो यहाँ पर देखो अगर ये किसी क्वेश्चन में इस तरह से बात पूछी जाए कि विच ऑफ द फॉलिंग हैज़ कैटेलिटिक प्रॉपर्टी तो कार्बोहाइड्रेट हैज़ कैटलिटिक प्रॉपर्टी या प्रोटीन या लिपिड या न्यूक्लिक एसिड में आर एन ए तो लाजमी तौर तो पर किसी ऑप्शन के अंदर प्रोटीन एंड आर एन ए दोनों भी गिवन होंगे तो आपने उसको पिक करना है कि इन दोनों के अंदर कैटलिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है या अगर ये सवाल यूं पूछा जाए कि मोस्ट एंजाइम्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल तो तब आपने प्रोटीन को कंसिडर करना क्योंकि इन जनरल ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं तो आपको यह केमिकल नेचर का आइडिया हुआ कि ये ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के ग्रुप प्रोटीन से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं इनमें से चंद एक आर पर मुश्तमिल होते हैं ऑल दो इनके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट्स भी मौजूद हो सकते हैं वो भी आगे डिटेल में जब हम जाएंगे इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको पॉइंट आउट किया जाएगा कि इनमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं और किस केस में हो सकते हैं ठीक है अच्छा बाकी अभी हम आगे चलकर इनकी ये केमिकल नेचर को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि ये प्रोटीन के किस ग्रुप से बिलोंग करते होंगे तो ये सारी बातें अभी आगे चलकर सामने आने वाली हैं अच्छा तो केमिकल नेचर के बाद हम दूसरी एक और प्रॉपर्टी इनकी देखते हैं क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर कैटलिस कैटलिसिस के लिए कितनी क्वांटिटी इनकी रिक्वायर्ड है तो बेटे आप इसमें देखिए कि एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर द रिएक्शन यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई देखो एक जगह पर आ, एंजाइम की तादाद जो है वो सिर्फ एक है देर इज ओनली वन एंजाइम और वहां पर आपके सामने जो सबस्ट्रेट दिए गए हैं वो वन थाउजेंड सबस्टेट मॉलिक्यूल हैं तो आपसे पूछा जाए कि क्या एक सिंगल एंजाइम वन थाउजेंड सबस्ट्रेट्स को क्या ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है तो जवाब यह है कि बिल्कुल ये सिंगल एंजाइम इन वन थाउजेंड सब्सट्रेट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है वन थाउजेंड प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ठीक है या फिर 1000 से ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि हो सकता है ये ब्रेक डाउन रिएक्शन हो और ये जो सबस्ट्रेट है ये टू ट्राउ इंटू टू या फिर थ्री के अंदर तो इस तरह से प्रोडक्ट्स का नंबर ज्यादा भी हो सकता है तो आप याद रखिए कि सवाल ये है कि क्या एक सिंगल एंजाइम 1000 थाउजेंड को या वन के मुकाबले में टेन कह दिया जाए या एक लाख यहां पर मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के शो किए जाए और पूछा जाए कि क्या ये अकेला काफी होगा बिल्कुल ये अकेला एंजाइम इन तमाम सब्स्टेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी होगा वो क्यों वो इस वजह से कि एंजाइम्स जैसे कि पहले अभी जिक्र हुआ है कि दे आर नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इस वजह से रिएक्शन में अगेन एंड अगेन ये, ये यूज़ होंगे और जब ये बार बार यूज होंगे तो फिर इस तरह से ये वन बाय वन एक एक करके इन थाउजेंड सब्स्टेट्स को या इससे ज़्यादा जितने मर्जी ये सब्सिटेट मोलिक्यूल हों उनको ये कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये आपने याद रखना है कि एंजाइम्स की क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है बहुत ही स्मॉल अमाउंट इनका चाहिए होता है रेट ऑफ़ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हाँ ये अलग बात है कि अगर आप थोड़ा सा अमाउंट इनका ज़्यादा कर दें यानी एंजाइम की कंसनेशन को बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ेगा ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि भाई क्या एक मकान को एक सिंगल जो मजदूर है वो तैयार कर सकता है तो डेफिनेटली वो तैयार कर सकता है वो एक एक करके आहिस्ता 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 एक एक ईंट जोड़ता जाएगा और आखिरकार कभी ना कभी तो वो मकान बना लेगा ना लेकिन अगर हम यहाँ पर एक साथ कोई काफ़ी सारे मजदूर लगा दें और वो एक साथ मिलकर जब काम करें तो वो मकान जल्दी से तामीर हो जाएगा तो बिल्कुल इसी तरह से भाई यहां पर भी अगर एंजाइम आप बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन तब भी स्पीड अप हो जाएगा लेकिन अगर आपने ज्यादा एंजाइम ऐड कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन और ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा तो इस तरह से उनकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी बहरहाल क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है तो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट अच्छा फिर देखो यहां पर इसी बात को यहां पर दोबारा इसी तरह से बयान किया हुआ है कि अ वेरी फ्यू एंजाइम्स कैन कन्वर्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सबसे जैसा कि मैंने ये एग्जांपल के अंदर आपको यहां पे पॉइंट आउट किया है ठीक है तो इस तरह से हमने क्वांटिटी रिक्वायर्ड वाली करेक्ट्रिस्टिक भी कवर कर ली जी उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में हम बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम की एंजाइम्स आर एक्चुअली वेरी मच सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स दे आर हाईली सेंसिटिव टू पीएच एच टेम्परेचर एंड चेंजेस इन द सिस्टम और वो सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हैं वो क्या हैं मिसाल के तौर पर वो एंजाइम की कंसनेशन भी हो सकती है एंजाइम कंसनेशन में आप किसी किस्म की कोई चेंज क्रिएट करते हैं या फिर वो सबस्ट्रेट कंसनेशन में चेंज हो सकता है तो इस तरह से आप सबस्ट्रेट कंसनेशन एंजाइम कंसनेशन या इवन वहाँ पर कोई और एटमोसफेरिक प्रेशर या इस तरह के दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं तो इन सब के लिए एंजाइम सेंसिटिविटी शो करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है इन फैक्टर्स में चेंजिंग की वजह से अभी हम आगे चलकर ये सेंसिटिविटी वाला जो पॉइंट है इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इनशाला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे उसमें इन्हीं फैक्टर्स की डिटेल से बात करेंगे कि ये किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं सेंसिटिविटी के बाद स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक और एंजाइम का इंपॉर्टेंट फीचर है आमतौर पर यह कहा जाता है कि एंजाइम्स आर आइदर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर यानी इसका मतलब है कि वन पर्टिकुलर एंजाइम कैन केटलाइज ओनली वन पर्टिकुलर रिएक्शन जैसे कि सुक्रेज कैन ओनली डाइजेस्ट सुक्रोज नॉट एनी अदर सबस्ट्रेट जैसे मिसाल के तौर पर सुक्रोज के अलावा और भी तो डाइसेकर होते हैं ना जैसे माल्टोज माल्टोस भी एक डायसेक्राइड है जैसे लेक्टोज लेक्टोज भी एक डाइसेक्राइड है तो लेक्टोज या माल्टोज के लिए अलहदा से एंजाइम होंगे सुक्रेज एंजाइम से सुक्रोज को ही डाइजेस्ट करेगा तो एंजाइम्स आर इधर हाईली स्पेसिफिक जैसे कि ये दिखाया है और दे आर स्लाइटली लेस स्पेसिफिक दैट दे कैन केटलाइज रिलेटेड रिएक्शन रिलेटेड रिएक्शंस को भी कुछ एंजाइम्स हैं जो कैटेलाइज कर लेते हैं यानी उनकी स्पेसिटी थोड़ी सी लेस होगी लेस स्पेसिफिक होंगे वो वो हाईली स्पेसिफिक नहीं होंगे मिसाल के तौर पर देखिए एक एंजाइम का नाम आपने जरूर पढ़ा है दिस इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ये क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करता है। एच बी और इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करके क्या बनाते हैं एच बी ओ टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है वो ये कार्बोनिक सिमिलरली सेम एंजाइम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाय कार्बोनेट्स इन द ब्लड जैसे कार्बन uh, डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं और बनता है एच टू एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड और फिर ये कार्बोनिक एसिड टूटता है एच टू सी ओ थ्री ये ब्रोकन डाउन होगा और इसमें से H प्लस आइंस सेपरेट हो जाएंगे और एच सी ओ थ्री नेगेटिव आइंस यानी बाई कार्बोनेट आइंस या हाइड्रोजन कार्बोनेट आइंस सेपरेट हो जाएंगे तो इस तरह से इन रिएक्शंस में भी ये सेम एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज अब आप देखिए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम और सुक्रेज एंजाइम इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए और पूछा जाए कि विच वन इज मोर स्पेसिफिक तो आप किसको मोर स्पेसिफिक कहेंगे ऑब्वियसली को एंजाइम कैन ओनली डाइजेस्ट मॉलिक्यूल इसके अलावा किसी और को वो डाइजेस्ट नहीं करता बट ऑन द अदर हैंड कार्बोनिक एंड हाइड्रेज एनजाइम कैन कैटेलाइज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इंटू हिमोग्लोबिन कैन कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंटू कार्बोनिक एसिड एंड कैन कैटेलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोनिक एसिड इंटू हाइड्रोजन आइनज एंड बाई कार्बोनेटाइन तो इस तरह से कार्बोनिक एंड हाइड्रेस स्लाइटली लेस स्पेसिफिक एंजाइम है लेकिन बच्चों याद रखो यहाँ पर कि कोई भी एंजाइम नॉन स्पेसिफिक नहीं होता नॉन स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही एंजाइम को जिस मर्जी सबस्टेट के ऊपर डाल दें और वो उसको लाजमी तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर ही देगा यानी कोई एक मास्टर की जैसे होती है ना हर ताले को खोलने वाली चाबी इस तरह से कोई एक एंजाइम ऐसा हो जो हर तरह के सब्सट्रेट को डाइजेस्ट कर दे या उसको कन्वर्ट कर दे प्रोडक्ट में ऐसा नहीं हो सकता एंजाइम्स आर आइर हाईली स्पेसिफिक और दे आर स्लाइटली लेस स्पेसिफिक बट नो एंजाइम इज नॉन स्पेसिफिक सो ये बात माइंड में रहे आपके अच्छा उसके बाद फिर एक और चीज हम देखते हैं यहां पर एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के हवाले से ये क्वेश्चन है ये जो हमने स्पेसिटी का जिक्र किया कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक तो असल में ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है स्पेसटी क्या ये मोलिकुलर वेट के ऊपर डिपेंड करती है एंजाइम द स्पेसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर आर वेट कि मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा तो हाईली स्पेसिफिक कम होगा ना इसके साथ इसका कोई चक्कर नहीं है देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ भी स्पेसिटी का कोई लेना देना नहीं है देयर पीएच सेंसिटिविटी के कुछ एंजाइम बहुत ही नैरो रेंज के अंदर काम करते हैं और कुछ एंजाइम के अंदर ये कैपेसिटी के थोड़ी सी ब्रॉड रेंज ऑफ पीएच में काम कर सकते हैं तो इससे वो स्पेसिटी का ताल्लुक है ना इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है तो असल में एंजाइम की जो स्पेसिटी है वो इसकी सरफेस कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है ये सरफेस कन्फिग्रेशन क्या चीज़ है ये बड़ी औखीसी टर्म नज़र आ रही है सरफेस कन्फिग्रेशन सरफेस कन्फिग्रेशन का मतलब ये है कि इसकी सरफेस की जो शेप है सरफेस की शेप तो सरफेस की शेप से क्या मुराद है सरफेस की शेप से मुराद ये है कि सरफेस के अंदर एक अभी आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में कि सरफेस में इस तरह से एक कैविटी बनी हुई है

डायरेक्टली स्पेसिफिक डायरेक्टली यहां पर एक्टिव साइड का जिक्र होता है तो हम उस ऑप्शन को पिक करते हैं और अदरवाइज अगर ये सरफेस कन्फिग्रेशन यानी मुभम अल्फाज में इसका जिक्र है तो हम इसी जुमले को पिक करेंगे बाकी कोई भी पॉइंट इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा तो आपने ये याद रखना है कि ये जो ऑफ एंजाइम है इट इज ड्यू टू देयर सरफेस कन्फिग्रेशन तो राइट आंसर इज देयर सरफेस कन्फिग्रेशन ठीक है जी उसके बाद आप एक और क्वेश्चन देखिए इसी हवाले से अभी जो हमने बात की कि, कि कुछ एंजाइम्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं कुछ लेस स्पेसिफिक होते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम शोज द ग्रेटर सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी अब आप देखिए कि एक एंजाइम यहां पे दिया हुआ है लाइपेज यहां पर बेटे आपने जहन में रखना है कि अक्सर एंजाइम के नामों के आखिर में ए एस ई लिखा हुआ होता है और अगर किसी नाम के आखिर में ये ए एस ई नहीं लिखा तो वो आमतौर पर एंजाइम नहीं होता बट ये Uh, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यूँ समझ लें कि जो इनके स्टैंडर्ड नेम्स होते हैं उनमें तो ये ए एस सी लिखा होता है लेकिन सम टाइम कुछ एंजाइम्स के कॉमन नेम्स भी होते हैं जिनके आखिर में ए एस ई नहीं लिखा होगा जैसा कि आप देखिए ट्रिप्सिन इज़ आल्सो एन एंजाइम बट इसके आखिर में आपको ए एस ई नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा बहरहाल ये वैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए इन जनरल आपने याद रखना है कि एंजाइम्स का नेम एस ई के ऊपर स्टॉप हो रहा है तो आप इस क्वेश्चन में जरा गौर कीजिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम शोज ग्रेटर सबस्ट्रेट स्पेसिटी मतलब इस बात का ये कि कौन सा एंजाइम है जो ज्यादा स्पेसिफिक है और कौन सा एंजाइम है जो लेस स्पेसिफिक है तो बेटे याद रखो कि जो लाइपेज हैं लाइपेज ये जनरल नेम है उन तमाम एंजाइम्स के लिए जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं और लिपिड्स की जाहिर है कि बहुत सारी अकसाम है तो इन जनरल कोई भी जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा उसको लाइपेस कह दिया जाएगा तो यहां पर कोई स्पेसिफिक टाइप का लाइपेज इंडिकेट नहीं हो रहा तो ये ब्रॉड कैटेगरी एंजाइम की ये जाहिर है लेस स्पेसिफिक हैं इसी तरह से न्यूक्लियस ये वो एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करते हैं और आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स की भी दो टाइप्स हैं एक है डीएनए और दूसरा आरएनए अब इसमें डीएनए और आरएनए के ऊपर भी एक्ट करने वाले जो न्यूक्लियज होते हैं उनकी भी फर्दर आगे काइंड्स होती हैं उनमें से कुछ एक्जो न्यूक्लियसेज होते हैं कुछ एंड्रो न्यूक्लियसेज हैं बहरहाल यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं हो रही कि कौन से टाइप का न्यूक्लियस है तो इन जनरल जो कि न्यूक्लियस कैटेगरी दी है तो ये हो सकता है कि डीएनए का न्यूक्लियस हो आर का हो तो इसमें भी आपको देखिए एक ब्रॉड रेंज नजर आ रही है तो ये भी कम स्पेसिफिक होगा अच्छा फिर इसी तरह से आप देखिए सुक्रेज इज इंजाइम दैट कैन ओनली डाइजेस्ट अभी जैसे जिक्र हुआ था कि ये सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज को डाइजेस्ट कर सकता है इसके अलावा किसी और सबस्ट्रेट को ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता तो ये आपको अब तक जो मैंने एंजाइम बताए उनमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिक यही नजर आ रहा है ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीएज ये प्रोटीएज की एक किस्म है और प्रोटीएज ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को कहा जाता है तो ट्रिप्सिन भी हमारे बॉडी के अंदर ओवरऑल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसका मतलब है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक इन नेचर एंजाइम होगा जो पर्टिकुलरली एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा होगा वो कौन सा होगा वो दरअसल सुक्रेज एंजाइम है तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है मुख्तलिफ एंजाइम्स की स्पेसटिक के हवाले से तो आपने बस ये जहन में रखना है कि जो एक से ज़्यादा रिएक्शन को कैटेलाइज रहा है वो लेस स्पेसिफिक है और जो पर्टिकुलरली एक रिएक्शन को कैटेलाइज रहा है वो हाईली स्पेसिफिक है फिर इसी तरह से आप देखिए करैक्ट्रिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में हम एक और करेक्टरिस्टिक का यहाँ पर एडिशन करते हैं वो है वर्किंग एन्वायरमेंट ऑफ एंजाइम एंजाइम किस किस्म के इन्वायरमेंट में काम करते हैं एंजाइम्स कैन वर्क इन वीवो इन वीवो का मतलब होता है लिविंग सेल्स के अंदर किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर अगर कोई एंजाइम काम कर रहा है तो वो इन वीवो एक्टिविटी होगी उसकी और इनको अगर हम बॉडी से बाहर निकाल लें और बॉडी के बाहर किसी आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर इनसे काम लेना चाहें जैसे किसी टेस्ट ट्यूब में किसी ग्लासवेयर के अंदर तो बिल्कुल ये वहाँ पर भी फंक्शनल हो सकते हैं और इस तरह की जो एक्टिविटी होगी एंजाइम की उसको इन विट्रो कहा जाएगा यानी इन द ग्लासवेयर और अगर इन लिविंग बॉडी तो ये इन वीवो एक्टिविटी होगी सो एंजाइम्स नॉट ओनली दे वर्क इन वीवो बट एज वेल एज दे ऑल्सो वर्क इन विट्रो दोनों एक्टिविटीज इनमें पाई जाती हैं। अच्छा यहां पर ये एंजाइम्स जिनका हमने जिक्र किया है कि ये लिविंग सेल्स के अंदर काम करते हैं दरअसल ऐसे एंजाइम्स को इंट्रा सेलुलर कहा जाता है इंट्रा सेलुलर तो ये इंट्रा सेलुलर है और दूसरी तरफ वो एंजाइम जो इस तरह से बॉडी से बाहर काम कर रहे हैं इनको आप एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे देखो यहां पर थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है हो सकता है कि कोई इंट्रा सेलोर एंजाइम है लेकिन आप उसको आइसोलेट करके इन विट्रो कंडीशंस प्रोवाइड करें तो वो वहाँ पर भी काम करें तो इसका मतलब है कि वो कोई एक्स्ट्रा सेलो एंजाइम बन गया है नो no, वो एक्चुअली है तो वो इंट्रा सेलोर एंजाइम की कैटेगरी लेकिन आपने उसको कंपेल किया इन विट्रो एक्टिविटी के लिए असल में जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलोर यहाँ पर मैं दूसरी टर्म यूज कर रहा हूँ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स असल में वो एंजाइम्स हैं जो कि सेल से बाहर काम करते हैं अब वो सेल से बाहर कहाँ पर काम करते हैं वो सेल से बाहर या तो किसी बॉडी कैविटी में काम करेंगे बॉडी कैविटी के अंदर मिसाल के तौर पर जैसे हमारे स्टमक के अंदर काम करने वाले एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है मिसाल के तौर पर जैसे पेप्सिन एंजाइम है या फिर हमारी इंटेस्टाइन में आपने देखा है कि बहुत सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं तो वो भी सारे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा सेलो एंजाइम वो भी कहलाएंगे जो कि बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपने बॉडी से बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं और वो बॉडी से बाहर डाइजेशन परफॉर्म करे होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं एब्जॉप्टिव हेट्रोट्रॉस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉस ये असल में डीकम्पोजर्स की कैटेगरी है हैट्रोट्रॉस ये डी हैं और ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं डीकम्पोजर्स दरअसल अपने बॉडी से एंजाइम्स को बाहर सिक्रीट कर देते हैं और बाहर वो अपने फूड को डाइजेस्ट करने के बाद डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो याद रखिए कि ये डिकम्पोजर्स के एंजाइम्स जो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं वो भी दरअसल एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होंगे तो ये इस तरह से बॉडी कैविटी या आउटसाइड द बॉडी दो जगहों पर ये काम करें आउटसाइड द बॉडी तो आपने नोट किया कि जो टिपिकल एक्स्ट्रा सेलो एंजाइम होगा ये वो एंजाइम है जो नॉर्मली सेल से बाहर काम करता है चाहे वो सेल से बाहर विद इन द बॉडी कैविटी हो या वो सेल से बाहर इवन आउट द बॉडी हो लेकिन इंट्रा सेलो एंजाइम वो होगा जो विद इन द सेल काम कर रहा होता है हाँ ये अलग बात है कि हम किसी भी एंजाइम को इन विट्रो यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन विट्रो यूटिलाइज करने का मतलब है कि आप उनको ग्लासफेयर में यानी इवन ये वाले जो एंजाइम्स होते हैं जिनको हमने एक्स्ट्रा सेलो एनजाइम कहा है इनको भी इन विट्रो एक्टिविटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और इवन ये जो एंजाइम है जो लिविंग सेल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं इवन इनको भी इन विट्रो एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है तो इस तरह आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है यहाँ पर आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये जितने भी एक्स्ट्रा सेलो एनजाइम्स से हैं वो सारे इन विट्रो एंजाइम्स कहलाएंगे एक्स्ट्रा सेलो एनजाइम मैंने आपको बहुत वजाहत से बयान कर दिया है ठीक है इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए अच्छा इसके अलावा आपने याद रखना है कि एंजाइम्स ये हमारे साइटोप्लाजम के अंदर भी मौजूद होते हैं साइटोप्लाजम के अलावा ये मेम्ब्रेन्स का पार्ट भी होते हैं तो इस तरह इंजाइम मुख्तु जगहों पर काम कर रहे हैं अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट के बाद हम एक और करेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करते हैं वो है नीड ऑफ को फैक्टर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम देखिए कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको को फैक्टर रिक्वायर्ड होता है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वो को फैक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं अगर उनका को फैक्टर उनको मिलेगा तो वो काम करेंगे अदरवाइज नहीं अभी को फैक्टर क्या चीज़ है तो बच्चों याद रखो को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है को फैक्टर किसे कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड को फैक्टर वैसे अभी हमने जिक्र किया था ना कि जनरली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर लेकिन देर आर सर्टेन एंजाइम्स इन विच प्रोटीन पार्ट्स आर रिक्वायर्ड अब वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स हैं वो किस तरह की नेचर रखते होंगे उसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो को फैक्टर्स है को फैक्टर्स का रोल क्या है यहाँ पर को फैक्टर क्यों चाहिए होते हैं देखो बाजू ऐसा होता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है अभी एक्टिव साइट के ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना ये के पूरी तरह कंपैटिबल नहीं होती यानी शेप ऑफ एक्टिव साइट और शेप ऑफ सबस्ट्रेट्स ये पूरी तरह से कंपेटेबल नहीं होते तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान यानी एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर ये को काम करेगा ये एक्टिव साइड के ऊपर जब को फैक्टर अटैच हो जाएगा तो इस तरह से को फैक्टर के अटैच होने के बाद एक्टिव साइड की शेप सबस्ट्रेट के साथ कंपैटिबल हो जाएगी और सबस्ट्रेट अब आसानी से उसके ऊपर अटैच कर सकेंगे तो याद रखिए कि जिन एंजाइम्स को भी को फैक्टर की जरूरत है जिनकी भी एक्टिव साइड इस तरह पूरी तरह कंपैटिबल नहीं है और उन्हें को फैक्टर रिक्वायर्ड है तो वो को फैक्टर के साथ ही फंक्शनल होंगे बगैर को फैक्टर के वो नॉन फंक्शनल रहेंगे लेकिन यहां पर यह बात भी केयरफुली याद रखिएगा कि को सभी एंजाइम्स को नहीं चाहिए होता बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो बगैर को के भी काम कर सकते हैं ठीक है बहुत सारे इंजाइम ऐसे भी हैं जो बगैर को फैक्टर्स के भी काम कर सकते हैं अभी आपको एग्जांपल्स देते हैं बहरहाल आप ये याद रखिए कि मैं पहले बात कर रहा हूं कि जिन एंजाइम्स को भी को फैक्टर चाहिए तो उन एंजाइम्स को अगर को फैक्टर मिलेगा तो तब वो एक्टिव स्टेट में आएंगे अदरवाइज वो इनएक्टिव रहेंगे मिसाल के तौर पर यह देखिए ये जो विदाउट को फैक्टर पोर्शन था एंजाइम का दैट इज एक्चुअली द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम जिसके साथ अभी कोफैक्टर अटैच नहीं हुआ तो ये टोलिटिकली इनएक्टिव होगा और इस इनएक्टिव एंजाइम के लिए टर्म यूज की जाती है एपो एंजाइम इसको क्या कहते हैं इस वक्त आपके सामने एपो एंजाइम है और जैसे ही को फैक्टर इसके साथ अटैच होते हैं और को फैक्टर के अटैच होने से चूंकि आप सब स्टेट इसके ऊपर बाइंड कर सकते हैं और ये कैटोलिटिकली एक्टिव स्टेट में आ गया एंजाइम तो अब इस एंजाइम को नाम दिया जाएगा होलो एनजाइम तो आपने ये याद रखना है कि फैक्टर क्लियर करने की जरूरत है।, है आप इसको इस तरह से याद रखिए कि यह दरअसल एक एक्टिव इंजाइम है और एपो इंजाइम दरअसल एक इनएक्टिव इंजाइम है ठीक है अभी जैसे मैंने आपको यह कहा कि कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिनको को फैक्टर की जरूरत नहीं होती मिसाल के तौर पर आप देखिए एक एंजाइम आप जानते हैं एक एंजाइम है पेप्सिनोजेन पेप्सिनोजेन और उसके बाद यह पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है पेप्सिन में पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट कैसे होता है वैन इट इज एक्सपोज टू एसिडिक पीएच जब ये एसिडिक पी में एक्सपोज होगा तो पैप्सिनोजेन इज ट्रांसफॉर्म इन टू आप ये यकीन जानते हैं कि ये एंजाइम हमारे बॉडी में कहाँ पे काम करता है यस ऑब्वियसली ये हमारे स्टमक के अंदर काम करने वाला एंजाइम है और गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये एंजाइम रिलीज होता है दरअसल इस पैप्सिनोजेन का जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह से स्ट्रक्चर है कि इसकी एक्टिव साइड के ऊपर एक और पॉलीपेप्टाइड ऑक्यूपाइड होती है वो इसकी एक्टिव साइड को उसने कवर किया होता है मिसाल के तौर पर ये एंजाइम आपको नजर आ रहा है पेप्सिनोजन और इसकी एक्टिव साइड के ऊपर अभी आपको दिखाते हैं कि एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड ऑक्यूपाइड होगी ठीक है अब वो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड कौन सी है वो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड इस तरह से आप देखिए ये ऐसे करके अटैच है और इस एडिशनल पॉलीपेप्टाइड के यहाँ पर अटैच होने की वजह से इस एडिशनल पॉलीपेप्टाइड के यहां पर अटैच होने की वजह से एक्टिव साइड चूंकि ऑक्यूपाई हो गई है लिहाजा जो असल सब्सट्रेट है वो यहां पे बाइंड नहीं कर पाता और उसका डाइजेशन नहीं हो रहा आप कहेंगे कि ये एडिशनल पॉलीपेप्टाइड क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रही तो असल में ये एडिशनल पॉलीपेप्टाइड को डाइजेस्ट करने के लिए ये स्पेसिफिक नहीं है जस्ट इस एडिशनल ने एक्टिव साइट को ऑक्ुपाई किया हुआ है एक्टिव साइट को वर्क नहीं करने दे रही है एडिशनल पॉलीपेप्टाइड, तो जब तक कि ये एडिशनल पॉलीपेप्टाइड इसकी एक्टिव साइट पर अटैच रहेगी ये इनएक्टिव रहेगा और एसिडिक पीएच में जैसे ही एक्सपोज होता है या फिर ऑलरेडी जो एक्टिवेटेड है उसके सामने जैसे ये एक्सपोज होता है तो उसकी वजह से ये एडिशनल पॉलीपेप्टाइड रिमूव हो जाती है और एडिशनल पॉलीपेप्टाइड के रिमूव होने के बाद अब ये एंजाइम इस तरह से कैटोलिटिकली एक्टिव स्टेट में आ जाएगा तो आपने देखा कि ये जो एंजाइम है ये कंप्लीट प्रोटीन एंजाइम है इसको को कोई नहीं चाहिए कंप्लीट प्रोटीन एंजाइम है ये फैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट को नहीं चाहिए होता लेकिन इस एंजाइम के अंदर भी आपने देखा कि नेचर ने एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट्स रखी हुई है और जबकि पेप्सिन इसकी एक्टिव स्टेट है तो ये जो इनएक्टिव स्टेट है इसकी दरअसल ये एपो एंजाइम स्टेट है ये इसकी कौन सी स्टेट है एपो एंजाइम स्टेट और जबकि ये जो एक्टिव स्टेट होगी इसकी ये इसकी होलो एंजाइम स्टेट होगी होलो एंजाइम तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि देखो ये जो एपो एंजाइम और होलो एंजाइम का सही कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि होलो एंजाइम एक एक्टिव एंजाइम होता है एक्टिव एंजाइम एंजाइम इज कॉल्ड होलो और जबकि एपो एंजाइम ये कैटलिटिकली इनएक्टिव एंजाइम को कहा जाता है वो अलग बात है कि जिन एंजाइम्स को कोफैक्टर चाहिए तो वो एक्टिव तभी होते हैं जब को फैक्टर साथ मिलता है तब वो एक्टिव आते हैं और वो हॉलो एंजाइम बन जाते हैं इस वजह से आमतौर पर हम ये कह देते हैं कि एंजाइम विद को फैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम ठीक है तो ये बात उन एंजाइम्स के लिए तो दुरुस्त होगी जो कि को फैक्टर रिक्वायर करते हैं और वो वह एंजाइम तभी बनते हैं जब उनका को फैक्टर उनके साथ मिलता है लेकिन जो एंजाइम कंप्लीट प्रोटीन इन नेचर है उनको को फैक्टर रिक्वायर्ड ही कोई नहीं होता तो वो होल इन्जाइम स्टेट में भी आ सकते हैं वो कैसे आएंगे तो वो होल इन्जाइम स्टेट में किसी ख़ास कंडीशन में आएंगे जैसा कि आपने देखा कि पेप्सिनोजेन जिनको जब एसिडिक पीएच में एक्सपोज करते हैं तो वो होलो एन्जाइम बन जाता है ठीक है तो इसका मतलब है कि होलो एंजाइम हमेशा को फैक्टर और इंजाइम के मिलने से नहीं बनता असल इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कैटेलिटिकली एक्टिव एंजाइम है यानी इसको मैं यूं कहूंगा कि अगर आपसे किसी क्वेश्चन में यूं पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ होल एंजाइम तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि एंजाइम विद इट्स को फैक्टर या फिर कैटलिटिकली एक्टिव एंजाइम तो दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट क्या होगा अबाउट एन होल एंजाइम तो आपने याद रखना है कि जो कैटलिटिकली एक्टिव एंजाइम है ये ज्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है कैटलीटिकली एक्टिव एंजाइम दरअसल होलो एंजाइम होता है ये जो हम कह रहे हैं ना कि एंजाइम विद इट्स को फैक्टर ये तो सिर्फ उन एंजाइम्स के लिए बात दुरुस्त होगी दैट नीड को फैक्टर ठीक है बात समझ में आई बिल्कुल इसी तरह से एपो एंजाइम एपो एंजाइम का भी मतलब हमेशा हरगिज ये नहीं होगा कि एंजाइम विदाउट इट्स को फैक्टर इज कॉल्ड तो भाई देखो ये जो पेप्सिन है इसको तो को फैक्टर चाहिए कोई नहीं तो क्या ये बगैर को फैक्टर के ये एपो है नो ये तो होलो एनजाइम है

होलो एंजाइम और एपजाइम स्ट्रेटजी का मकसद दरअसल क्या है ये एंजाइम हमेशा होलो एंजाइम क्यों नहीं होते यानी हमेशा एक्टिव स्टेट में क्यों नहीं होते तो दरअसल वजह ये है कि अगर एंजाइम रॉन्ग प्लेस के ऊपर एक्टिव हो जाएं तो वो बॉडी को डैमेज कर सकते हैं मिसाल के तौर पर इसी पेप्सिनोजन को ले रहे हैं अगर ये स्टमक वॉल में से जब सिक्रीट हो रहा होता है उसी वक्त अगर ये पेप्सिन स्टेट में होता है तो ये स्टमक वॉल को ही डाइजेस्ट कर देता तो उस वक्त ये एक्टिव स्टेट में नहीं होता उस वक्त ये इनएक्टिव स्टेट में होता है जब ये स्टमक कैविटी में पहुंच जाता है तो वहां पर फिर इसको वर्किंग इन्वायरमेंट मिलता है एसिडिक पीएच मिलती है और ये एक्टिव स्टेट में आता है और उस वक्त फिर स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस लाइनिंग डवेलप हो चुकी होती है तो ये वजह है कि एंजाइम्स ऑलवेज एक्टिव स्टेट में नहीं होते जहां पर उनकी ज़रूरत होती है वहां पर उनको एक्टिव किया जाता है और बाकी जगहों पर उनको इनएक्टिव रखा जाता है तो इस स्ट्रेटी का दरअसल ये मकसद था यहां पर हम देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन इस हवाले से जैसे आप देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन पैप्सिन एंड पैप्सिनोजन इज पैप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड पैप्सिनोजन इज पैप्टीडोग नो ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है पैप्सिन इज सिंगुलर एंड पैप्सिनोजन इज पिलोरल नो दिस इज अगेन इन इनकरेक्ट और फिर पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म एंड पैपसिनोजिन इज इनएक्टिव ये ऑब्वियसली ये भी हमने डिबेट की इसके ऊपर कि ये वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है और बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बट आर प्रोड्यूस एट डिफरेंट प्लेसेस ये बात भी गलत है तो राइट आंसर शुड बी पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ पैपसिनोजिन पैप्सिन इज एक्टिव फॉर्म एंड पैप्सिनोजिन इज इनएक्टिव फॉर्म एक और क्वेश्चन इस हवाले से देखिए कि एनएक्टिवेटेड इन्जाइम लाइक पैपसिन इज हाँ जी तो अब आप देखें पेप्सिन क्या है को या या एपो या एक्टिवेटर तो असल में ये एक तो दरअसल तो होगा अच्छा आप बात करते हैं कि ये जो को फैक्टर जिसको हमने अभी डिस्कस किया है तो इन, इन को फैक्टर्स की जो केमिकल नेचर है वो कैसी है देखो को फैक्टर एक बात तो आपको ये बताई गई है कि को फैक्टर दरअसल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन इन नेचर नहीं होंगे लेकिन इनकी केमिकल नेचर होगी कैसे तो केमिकली को फैक्टर्स मे भी इनऑर्गेनिक नेचर या दे मे बी ऑर्गेनिक नेचर दोनों नेचर्स हो सकती हैं अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे ना कि किसी एंजाइम में कोई इनऑर्गेनिक पार्ट भी हो सकता है तो वो इनऑर्गेनिक पार्ट इसका को फैक्टर ही होगा और ये को फैक्टर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है अदर देन प्रोटीन क्योंकि एंजाइम्स का ये जो को फैक्टर है वो लाजमी नॉन प्रोटीन इन नेचर है तो बेशक ये ऑर्गेनिक इन नेचर भी हो तो ये प्रोटीन नहीं होगा तो कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है ऑर्गेनिक भी हो सकता है इसके अलावा देखो ये जो इनऑर्गेनिक नेचर के कोफैक्टर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये डिटैचेबल को फैक्टर्स, है, है? फैक्टर्स कहलाते हैं डिटैचेबल से मतलब ये है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उस वक्त ये एंजाइम के साथ आकर कंबाइन करेंगे और ऐसी सूरत में रिएक्शन को ये कैटलाइज करने में हेल्प करेंगे और उसके बाद फिर ये जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एंजाइम से अलहदा हो जाएंगे तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं डिटैचबल कोफैक्टर्स अच्छा दूसरी तरफ देखो इनकी एक और प्रॉपर्टी के ये इस तरह के जो कोफैक्टर्स हैं जो इनऑर्गेनिक नेचर के भी हों और डिटैचबल हों इनके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है इनको एक्टिवेटर्स कहा जाता है इन्हें एक्टिवेटर्स के नाम से पुकारा जाता है और इनकी मिसाल क्या है जैसे आपको मुख्त किस्म के एंजाइम्स में आपको कहीं पर ये आयरन फेरस आइंस या मैग्नीशियम आइंस या कॉपर आइंस या जिंक तो इस तरह से ये मुख्त इन औरगेनिक आइंस स्पेशली ये जो मेटल आइंस होते हैं तो ये मेटल आइंस ये एज इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स आपको काम करते हुए दिखाई देंगे तो इस तरह के इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स जो कि असल में डिटैचबल होते हैं एट द टाइम ऑफ रिएक्शन दे पार्टिसिपेट विद एनजाइम और उसके बाद फिर लादा हो जाते हैं इनको एक्टिवेटर्स भी कहा जाता है और इनकी आपने ये एग्जाम्पल्स देखी तो ऐसा कोई एंजाइम जो इन को फैक्टर्स पर कंसिस्ट करता हो उसकी एग्जाम्पल आपके सामने है ये एंजाइम है एंजाइम हैग्जोकाइनेगजोकाइनेज एंजाइम के साथ आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम आइन यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एसको तो तो हेक्सोकाइनेज इस तरह के इंजाइम की आपने एग्जाम्पल याद रखनी है और हेक्सोकाइनेज इंजाइम आपने यकीनन बायोनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ा है ये इंजाइम ग्लूकोज के अंदर एटीपी से फॉस्फेट को शिफ्ट करेगा और ग्लूकोज फॉस्फेट देकर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन जाएगा और एटीपी एडीपी में चेंज हो जाएगा तो ये का पहला पहला रिएक्शन है इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला यह इंजाइम इसको मैग्नेशियम आइंस की फॉर्म में ये को फैक्टर रिक्वायर्ड है दूसरी तरफ अगर ये ऑर्गेनिक नेचर के को फैक्टर्स हों तो इनकी दो पॉसिबिलिटीज हैं ऑर्गेनिक नेचर के को फैक्टर्स में एक को कहा जाता है और दूसरे को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं को इन्जाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या फ़र्क है दरअसल ये जो को इनजाइम्स होते हैं ये बिल्कुल एक्टिवेटर्स की तरह होते हैं लेकिन फ़र्क ये होगा कि एक्टिवेटर दरअसल इनऑर्गेनिक के नेचर थे ये ऑर्गेनिक के नेचर हैं लेकिन ये एक्टिवेटर की तरह ये भी डिटैचबल को फैक्टर्स हैं यानी एट द टाइम ऑफ रिएक्शन ये एंजाइम के साथ कंबाइन करेंगे और उसके बाद सेपरेट हो जाएंगे और इनकी एग्जांपल्स क्या होंगी इनकी एग्जांपल्स ये हैं कि ये ज़्यादातर विटामिन से ड्राइव होते हैं ये विटामिन के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं और जैसे आप देखिए कि ये ए टी पी एन ए डी एफ ए डी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको विटामिन से ड्राइव किया जाता है और ये मॉलिक्यूल्स एज को काम करते हैं आपने यहाँ पर ये जो एग्जांपल अभी नोट no डाउन की हेक्सोकाइनेज की तो हेक्सोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसमें मैग्नीशियम आइंस की फॉर्म में भी एक कोफैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है जो कि बेसिकली एक एक्टिवेटर है और यहां पर एट द सेम टाइम ए टी पी एस को इंजाइम भी इस्तेमाल हो रहा है ये भी एक को फैक्टर है ठीक है तो आप देखें कि इस एंजाइम ने दो दो को फैक्टर्स को यूज किया है ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी एंजाइम के साथ दो दो को फैक्टर या समाइम थ्री थ्री को फैक्टर्स इन्वॉल्व हों तो यहाँ पर आपको एक इनऑर्गेनिक को फैक्टर एक ऑर्गेनिक को फैक्टर नजर आ रहा है इनऑर्गेनिक को फैक्टर को एक्टिवेटर कहा जाएगा जो कि मैग्नीशियम आइन की फॉर्म में और ऑर्गेनिक को फैक्टर इस वक्त एटीपी की शक्ल में है इसके अलावा मजीद आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यहां पर इस्तेमाल हो रहा है वो है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम और ये अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एक को फैक्टर को इस्तेमाल करता है ये को फैक्टर ऑर्गेनिक नेचर का को फैक्टर इस वजह से ये को एंजाइम है और ये एट द टाइम ऑफ रिएक्शन अल्कोहल डी के साथ कंबाइन करेगा ये है एन पॉजिटिव और ये यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा और हाइड्रोजन रिमूव करके अपने साथ अटैच कर लेगा और इस तरह से ये एन बन जाता है और जबकि खुद ये इथाइल अल्कोहल एसिड अल्डिहाइड में चेंज हो जाता है तो इस तरह से आपने यहाँ पर यह कोजाइम का इस्तेमाल देखा है इस एंजाइम के अंदर तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद हों यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर आपसे उनमें से किसी भी चीज़ के मुतालिक पूछा जा सकता है मिसाल के तौर पर जैसे आपको ये रिएक्शन शो करके पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का यहाँ पे रोल क्या है यानी ये एंजाइम है सब्सट्रेट है प्रोडक्ट है को एंजाइम है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज एक सब्सट्रेट है ए का रोल क्या है तो ये कोन्जाइम है हेग्जोकनेस ये एंजाइम है इसी तरह से मैग्नीशियम आइन ये एक्टिवेटर्स हैं और ये प्रोडक्ट है तो इस तरह से आपको ये सारी बातों का इल्म हो कोई भी रिएक्शन आपको शो करके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अच्छा उसके बाद फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स प्रोस्थेटिक ग्रुप्स दरअसल ये इनसे डिफरेंट होंगे होंगे ऑर्गेनिक नेचर के लेकिन ये दरअसल इंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं ये को इंजाइम्स और एक्टिवेटर्स की तरह लूजली बॉन्डेड नहीं होते ये सिर्फ रिएक्शन के स्टार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि दे आर द परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम ये जब एंजाइम डिस्ट्रॉय होगा तभी डिटैच होंगे अदरवाइज ही डिटैच नहीं होते दे बिकम परमानेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम तो इस वजह से दे आर कोविल बॉन्डेड दे आर परमानेंटली अटैच ठीक है और इनकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी जैसे आपने पोर फाइरन रिंग पर मुश्तमिल हेम ग्रुप ये आपने हीमोग्लोबिन में भी देखा होगा अगर हीमोग्लोबिन तो एंजाइम नहीं है लेकिन ऐसा ही हिम ग्रुप जो कि आयरन कंटेनिंग हिम ग्रुप होगा या फिर इसके अंदर कॉपर आयन मौजूद होते हैं तो इस तरह का पोर फायर रिंग ये साइटोक्रोम एंजाइम्स के अंदर जो हमारे फोटोसेंथेसिज और रेस्परेशन में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स हैं इन साइटोक्रोम्स के अंदर ये पोर फायर रिंग एस प्रोस्थेटिक ग्रुप वर्क कर रहे हैं ठीक है जी तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो को फैक्टर्स हैं उनकी केमिकल नेचर कुछ भी हो सकती है लेकिन प्रोटीन इन नेचर नहीं होंगे इस हवाले से आपसे एम सी क्यूज पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट को फैक्टर और यू मुख ऑप्शन बना कर आपसे ये पूछे जा सकते हैं या फिर ये जो इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स हैं इनके मुताबिक क्वेश्चन हो सकता है को इनजाइम्स के मुताबिक क्वेश्चन हो सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के मुताबिक क्वेश्चन हो सकता है तो इन सारी बातों के ऊपर आपकी तवज्जो होनी चाहिए इनके ऊपर एम सी क्यूज बनाए जा सकते हैं अच्छा उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन आप देखिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन रेट ऑफ स्लिया माइलेज ऑन स्टाच डिक्रीज एज देशन ऑफ क्लोराइड इज रिड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलिंग डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ क्लोराइड आइंस आप ये देखिए कि क्लोराइड आइंस का जो रोल है वो यहाँ पे पूछा गया और ऑप्शन आपको दिए गए हैं को फैक्टर नॉन कम्पिटेटिव इन्हेबिटर्स को इन्जाइम्स या कम्पिटेटिव इनहबिटर्स एक बात पर यहाँ पर गौर कीजिए कि अगर यहाँ पर क्लोराइड क्लोराइडाइंस की प्रेजेंस की वजह से स्लाइवे माइलेज की एक्टिविटी रिटार्ड हो रही होती तो फिर तो हम अज्यूम करते कि ये जो क्लोराइड आइंस हैं शायद ये कोई किसी किस्म के इनहिबिटर्स हैं क्योंकि इनकी मौजूदगी से सेवरिया माइलेज की एक्टिविटी रिटार्ड हो रही है लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि क्लोराइड आइंस की कंसनेशन जैसे ही रिड्यूस होती है तो सिलाईवे माइलेज की एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये इनहिबिटर्स तो हरगिज़ नहीं हो सकते अगर ये इनहिबिटर्स नहीं हो सकते तो फिर क्या होंगे ये फिर ये को हो सकते हैं या फिर कोएंजाइम? लेकिन आप गौर कीजिए कि क्लोराइड आइंस की चूँकि बात हो रही है और क्लोराइड आइंस ये इनऑर्गेनिक आइंस हैं और इस तरह के जो इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं वो कोफैक्टर्स की एक किस्म है एक्टिवेटर्स इनको दरअसल एक्टिवेटर्स कहा जाता है चूंकि यहाँ पर एक्टिवेटर टर्म नहीं गिवन तो आपने को फैक्टर वाले ऑप्शन को पिक करना है तो यहां पर राइट right आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर शुड बी को फैक्टर ठीक है डियर व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट एंड also प्रेस द बेल आइकॉन बिलो सो दैट यू could बी notified about any new video lecture from biology guardian and also do not hesitate to ask any question regarding this lecture my contacts are shown on the screen thank you once again